चाइना में मैंड्रिन चलती है, जर्मनी में जर्मन चलती है, फ्रांस में फ्रेंच चलती है, मगर इंग्लिश हर जगह चलती है। तो इंग्लिश आनी आज के समय में बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया के ऊपर वो सारा दिन उंगलियां चला के अपना टाइम, एनर्जी और पैसा जो है बहुत हद तक वो वेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? जिस तरह पेड़ हमें चुपचाप फल फूल और छाया देता है, उसी तरह हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो अपना काम तो नहीं मैं कहूंगा कि समाज सेवा चुपचाप करते हैं। कभी कहीं सोशल मीडिया पे फोटो नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं। कुछ लोगों को मैं देखता हूं कई बार मैगजीन में, चाहे कार्टून की फॉर्म में दिखाते हैं, लेकिन असलियत है कि दो केले भी वो देने जाएंगे और कैमरामैन साथ होगा और वो दो केले देते हुए इस तरह फोटो खिंचाएंगे कि शायद जैसे 2 किलो सोना दान करने जा रहे हैं। बहुत अजीब लगता है, लेकिन मैं आज जिस हस्ती की बात कर रहा हूं उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि पढ़ाई, दवाई और कमाई। बहुत मुश्किल एम है अपने लिए भी ये चीजें अरेंज करना और दूसरों के लिए करना या उनके लिए सोचना, मेरे जैसे को तो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन बड़े लंबे अरसे से वो समाज में पढ़ाई, दवाई और कमाई की सेवा कर रहे हैं। किस तरह से पढ़ाई के बारे में बच्चों को ज्ञान, नॉलेज, एजुकेशन की बात आई तो हम सभी, कोई भी ओकेजन होता है, हमारे कोई गुरुपुरब होते हैं, कोई दिन त्योहार होता है, तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम चलो एक लंगर का स्टॉल लगाते हैं, चाय, ब्रेड पकोड़े, समोसे, सेब, संतरे, सभी लोग हम बांट के बड़ी खुशी महसूस करते हैं। लेकिन आज के हमारे मेहमान तजिंदर सिंह जी, वो पढ़ाई, एजुकेशन का लंगर लगाते हैं। वो बहुत सारे बच्चों को सिर्फ रोटी देकर, लंगर देकर नहीं, उन्हें इस तरह से तैयार कर रहे हैं ताकि वो जिंदगी भर अपने लिए, परिवार के लिए फिर दोबारा कभी किसी और की तरफ ना देखें। तो आओ स्वागत करते हैं तजिंदर सिंह जी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल तजिंदर सिंह जी। सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस शो में। तो जो मैंने बताया, पढ़ाई, दवाई और कमाई, ये वर्ड बड़े गहरे वर्ड है, एक एक वर्ड में बड़ी गहराई छुपी हुई है और इन वर्ड को समझना और उस पे काम करना, ये जोश, ये जुनून कैसे पैदा हुआ? देखिए, बढ़िया आपने मौका दिया आज आपके शो में बात करने का। तो पढ़ाई की अगर हम बात करें तो बचपन से पेरेंट्स कहते थे कि पढ़ोगे तभी आगे कुछ बनोगे, नहीं पढ़ोगे नहीं कुछ बनोगे। मगर जो नहीं पढ़ा वो भी बड़ा कुछ बन चुके हैं, ऐसी बात तो नहीं है, स्पोर्ट्स में बने हैं। मगर 95% आप किसी फील्ड में भी जाओ, किसी स्किल में भी जाओ, जब तक आप पढ़े नहीं हो ना, तब तक कोई वैल्यू नहीं उस स्किल की। 5% हो सकते हैं कि सिर्फ आपके ना पढ़े होने की वजह से भी चल जाए, पर 95% नहीं चलते। तो जब मैं स्कूल में था, छोटा था, तो मेरी दादी जी मेरे को ये बातें समझाते होते थे कि बेटा हम तो नहीं पढ़ सके पर तुम जरूर पढ़ना, तो चलो जैसे तैसे हम भी पढ़े। मगर जब देखा, समाज में देखा, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं मगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
किसी को टाइम का चैलेंज है, किसी को पैसे का चैलेंज है, और बड़े सारे समाज में चैलेंज है लोगों को। तो हमने सोचा कि हम लंगर तो लगा रहे हैं बचपन से, कभी कोल्ड ड्रिंक का लंगर लगा रहे हैं, कभी चाउमिन का, कभी आज तक तो गोलगप्पों के भी लंगर है जी। तो वो लंगर तो आज खाया और शाम तक या कल सुबह तक फ्रेश हो गया, अब तो खत्म हो गया, अगले दिन बंदे को फिर खाना चाहिए, पेट भरना है उसको। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा लंगर लगाए जिससे वो अपना भी पेट भर सके और दूसरे का भी पेट भर सके जी। तो उन सब में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते 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 निकल के आया एजुकेशन लंगर, और उसके साथ में हमने ऐड कर दिया फ्री एजुकेशन लंगर, क्योंकि लंगर कभी पैसों से नहीं मिलता, वो हमेशा फ्री होता है किसी चीज का भी हो। तो जब हम अपने गुरुओं का इतिहास पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ते हैं कि जैसे गुरु अंगद जी हैं, दूसरे गुरु जी, वो इतना उनके ऊपर कार्यभार है करने के लिए, पर फिर भी वो रोज एक घंटा बच्चों को पंजाबी गुरुमुखी सिखाते हैं, खुद सिखाते हैं। इतना बड़े गुरु होके भी वो अपने टाइम में से टाइम निकालते हैं जी। तो हम लोग चाहे छोटी सी जॉब में है या बड़े बिजनेस में है, तो क्या हम अपना हफ्ते का एक घंटा नहीं निकाल सकते? बिल्कुल ठीक। वो तो रोज एक घंटा निकाल रहे हैं, मैं हफ्ते के एक घंटे की बात, मैंने तो इतना ही मिशन लिया कि मैं एक घंटा अपने लिए निकालूंगा, अपने समाज के लिए निकालूंगा। तो तब हमने कोशिश करी भी हर संडे को हम फ्री एजुकेशन लगाए, और उसके अंदर जो बेसिक है, जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो हमारी इंग्लिश है जी। हमारे देश में हिंदी चलती है, चाइना में मैंड्रिन चलती है, जर्मनी में जर्मन चलती है, फ्रांस में फ्रेंच चलती है, मगर इंग्लिश हर जगह चलती है। तो इंग्लिश आनी आज के समय में बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही इंग्लिश और मल्टीपल लैंग्वेजेस को लेके सारी चीजों का हमने एक पूरा कोर्स तैयार किया, और 12 हफ्ते के हमने ये संडे को सिक्योर किया कि भाई संडे के दिन जैसे बहुत लोग हम फ्री होते हैं, खास करके टीचर्स की छुट्टी होती है, क्योंकि टीचर्स के बिना तो और कोई नहीं कर सकता। तो हमने कुछ ऐसे टीचर्स ढूंढे कि भाई आप बहुत सक्सेसफुल हो, अगर आपके मन में भी है इच्छा तो आप हमको अपना एक घंटा दे दो, आपको कोई पैसा हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम किसी से पैसा लेना नहीं चाहते। तो ऐसे कुछ टीचर्स हमको मिल गए, उस परमात्मा की रजा हुई हमारे ऊपर। तो वैसे करते करते आसान, और 2018 से आज 6 साल हो गए हैं जी। रेगुलर हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एजुकेशन लंगर के कैंप चला चुके हैं, और आगे भी ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये जो आपने बात की कि 24 घंटे में से एक घंटा या हफ्ते में एक दो घंटे निकालना, जो हमारे गुरुओं ने दस वन की एक सीख हमें सिखाई, एक प्रथा हमारे धर्म में शुरू की, तो दसवन सिर्फ पैसों से नहीं होता। जिस तरह तेजिंदर सिंह जी ने बताया कि अगर हम एक घंटा अपने टाइम का भी दसवन निकालते हैं, हफ्ते में एक घंटा दो घंटे कोई टीचर या कोई भी समाज सेवी इस तरह से निकालता है, तो वो शायद पैसों से अधिक दसवन देने से मेरे ख्याल ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो पढ़ाई की हमने बात की, इसके साथ आपने दवाई का लंगर भी शुरू किया, उसमें भी आपकी सेवा बहुत दूर तक लोग आपको उस बारे में जानते हैं। आप गुरु नानक दवाखाना रजौरी में वहां के हॉस्पिटल डिस्पेंसरी के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो वहां पे क्या क्या सेवा दे रहे हैं और किस तरह से ये दवाई का जो लंगर है वो किस तरह से चला रहे हैं? देखिए, जिस टाइम कोरोना महामारी आई जी, सब लोग घरों में बैठे थे। बिल्कुल ठीक। पहले वेरिएंट में तो शायद इतना कुछ हुआ नहीं, तो घर में सब लोग कुकिंग में लूडो में एंजॉय कर रहे थे। पर जब 2021 में जो महामारी आई जी, जब हर घर में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मौत हुई, किसी ना हर परिवार को कोई ना कोई उस टाइम सदमा लगा, तो बड़ा उस टाइम मन दुखा, और देखा लोग एक ऑक्सीजन के लिए जगह जगह भटक रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। फिर ऑक्सीजन मिल गई तो आपको रेमेडी सेवर नहीं मिल रही, आपको फेबी फ्लू नहीं मिल रही, आपको व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं मिल रहे, और मिल रहे हैं तो पता नहीं वो डुप्लीकेट है कि असली, ये भी नहीं पता, क्योंकि ऑक्सीजन मिलने के बाद, इंजेक्शन मिलने के बाद भी लोगों की जान नहीं बची। तो
तो मेरे मन में उस टाइम आया कि गुरुद्वारों में ऑक्सीजन के लंगर बहुत लगे, पूरी दुनिया ने देखा। आज भी बाला साहेब गुरुद्वारे के अंदर हमारा जो हॉस्पिटल है वहां 3 ऑक्सीजन प्लांट लगे पड़े हैं, फ्रांस गवर्नमेंट ने भी एक वहां पे डोनेट किया। तो ऑक्सीजन के साथ अगर दवाएं नहीं है तो ऑक्सीजन भी बेकार है। तो मेरे मन में आया कि मैं रजौरी गार्डन में रहता हूं तो हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते, तो हमने नजदीक में गुरुद्वारा है वहां पे अप्रोच किया, वहां पे भी ऑक्सीजन का लंगर रोज लगता था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपने ऑक्सीजन तो लगाया, अब आप दवाइयों का भी इंतजाम करो जी, क्योंकि अगर दोबारा ये महामारी आती है तो एटलीस्ट तब तो हम उसका इंतजाम कर लेना। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो, क्योंकि जब प्यास लगेगी आप कुआं नहीं खोद पाओगे। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने भी मेरी बात को एक्सेप्ट किया, उनको भी दवाइयों के लिए बड़ी डिमांड थी पर कोई किसी की हेल्प नहीं कर पाया। तो फिर हमने वहां पे गुरु नानक दवा खाना का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया कि दवाएं जैसे कि हजारों लाखों रुपए की आती हैं जो फ्री देनी पॉसिबल नहीं है, और फ्री दो तो फिर मिसयूज भी होता ही है। तो हमने वहां पे कॉन्सेप्ट रखा भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट मेडिसिन देंगे, हम MRP नहीं देखेंगे। अगर पीछे से कोई दवाई 10 रुपए की आई है, चाहे उसका MRP 100 रुपए भी है, हम 10 रुपए की ही आगे देंगे। तो उस कॉन्सेप्ट पे हमने लोगों की सेवा करनी शुरू करी और काफी आज भी हजारों लोग रोज वहां पे दवाइयां लेके जा रहे हैं। और इस तरीके ऐसी सेवाएं बहुत सारे गुरुद्वारों में भी चल रही है और काफी जगह पे लोग इसको हेल्प कर पा रहे हैं एक दूसरे की। और साथ में ही जो कैंसर एक नामुराद बीमारी है जी, जिसका इलाज आज तक कोई क्लेम नहीं कर पाया कि 100% इलाज है, तो उसकी जिसके शरीर में कैंसर आ गया है तो उसको कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी ये सब लेनी पड़ती है, जो कि 50,000 से लेके 1-1.5 लाख रुपए तक की एक सेशन कॉस्ट करता है। तो उसके लिए हमने अरेंजमेंट किया, खालसा कैंसर केयर कीमोथेरेपी सेंटर बनाया ताकि लोगों को जो चीज 50,000 में बाजार में मिल रही है हम 5,000 में लोगों को प्रोवाइड करें जी। तो ऐसे ही हमने ये सिस्टम जो क्रिएट किया है, मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप भी इकट्ठे होइए, अगर किसी को उस चीज को सेटअप करने में मदद चाहिए, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, ना हमको कोई नाम चाहिए, हम आपकी बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी जगह पे उसको कैसे सेटअप कर सकते हो। क्योंकि कई चीजों में गवर्नमेंट लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कई चीजों में गवर्नमेंट लाइसेंस की जरूरत है, हमको पता है कहाँ पे क्या चाहिए, हम कर चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन, उसके ऊपर पूरी नेचर चल रही है, सांस अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, बार बार यही चीज रिपीट है, सूरज आज आ रहा है कल फिर आएगा परसों फिर आएगा। तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन के जरिए हम चाहते हैं लोग इस चीज को समझे, एक दूसरे की मदद करें। तो हम उनकी हेल्प करेंगे कि कैसे आप अपने यहाँ ड्रग स्टोर सेटअप कर सकते हो, कैंसर का सेटअप कैसे कर सकते हो, डायलिसिस का कैसे कर सकते हो, डेंटल का कैसे कर सकते हो, होम्योपैथी का कैसे कर सकते हो, एक्यूप्रेशर का कैसे कर सकते हो, और बहुत सारी थेरेपीज है जिनको हम अपने समाज के अंदर खुद ही सेटअप कर सकते हैं, हम डिपेंड नहीं है किसी पे, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमने पढ़ाई की बात की, दवाई की बात की, अब बात करते हैं कमाई की, जो वो भी आपकी सेवा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरी चीज, जो अभी आपने इतनी सारी सेवाएं बताई, मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि शायद हम टोटल सिख जो है पूरे वर्ल्ड में 3 करोड़ के करीब है इस वक्त, 2-3 करोड़ मैक्सिमम लगे इस वक्त है। लेकिन जो एक इंटरनेशनल डाटा जहां मैं पढ़ रहा था कि ये 3 करोड़ लोग तकरीबन पूरी दुनिया में 8 करोड़ लोगों को रोज लंगर खिलाते हैं और अलग अलग किस्म से लोगों की सेवाएं करते हैं, तो ये वाहेगुरु की बहुत बख्शिश है। और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से जिस तरह तेजिंदर सिंह जी, क्योंकि देखो हम सूरज तो नहीं बन सकते और सूरज बनने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर हम एक दीपक बन जाए तो भी कम से कम एक घर को तो उजाला दे सकते हैं। तो हमें इतनी बड़ी सोच भी नहीं जरूरत। अब उस दिन मेरे पास तेजिंदर जी एक आदमी आया था, तो भंडारे की, हम लंगर कहते हैं, वो दूसरे धर्म से थे, तो उन्होंने भंडारे की बात की कि मेरा बड़ा मन है मैं जिंदगी में कभी एक बार भंडारा करूं। तो मैं कि जिस दिन सोचे उस दिन कर सकते हो।
कहते मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। मैं कि क्यों नहीं सोच सकते? सबसे बड़ी कमी जो हम लोगों में है कि हम सोचते ही नहीं। हाँ जी। तो मैंने उन्हें कहा क्यों नहीं सोच सकते? कैसे भंडारे में तो 2-3 लाख रुपया मिनिमम चाहिए होता है। मैं कि किसने कहा है? आप 1 किलो 2 किलो आटा ले आओ, उसमें थोड़ी सी बूरा चीनी जो आती है वो ले आओ, रोज 1 मुट्ठी आधी कटोरी लो, घर के आसपास जहां भी कोई पार्क है, कहीं भी जहां चींटियां हैं या कोई भी जीव के लिए पानी है, कोई भी, आप अगर वो आटा और चीनी डाल देते हो, अगर 100, 200, 500 चींटियां वो खाती हैं। बेसिकली हमने जीव की सेवा करनी है। ये कहीं नहीं लिखा कि हमने सिर्फ आदमियों को ही खाना खिलाना है। तो मैं कि वो भी बराबर का भंडारा है। और अगर आप महीने में 30 दिन करते हो तो आप 30 दिन भंडारा कर रहे हो। तो आप इस तरह से, तो उन्हें बड़ी हैरानगी हुई कि आप कैसे सोचते हो, आप कैसी बातें करते हो। तो हम बात कर रहे थे पढ़ाई दवाई के बाद कमाई की। तो जो बच्चे आपके पास आते हैं जिनको आप ये ज्ञान का फ्री लंगर दे रहे हैं, एजुकेशन का, तो उनकी कमाई के भी कोई साधन के लिए आप मदद करते हैं? देखिए, हमने कुछ प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिसको हम नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं जी, जहाँ पे अलग अलग फील्ड के लोग आके मिलते हैं। कोई फैक्ट्री ओनर्स हैं, कोई आईटी कंपनीज के हेड हैं जी, कोई बैंकिंग के हेड हैं, और कोई नॉर्मल एम्प्लॉई हैं। हमने नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश करते हैं कि जिसको रिक्रूटमेंट करनी है, एम्प्लॉयज भी चाहिए कंपनियों को ग्रो करने के लिए, और अगर कोई अच्छा बंदा जिसको हम जानते हैं, और सामने वाले को होता है कि भाई अगर कोई जान पहचान वाला बंदा मिल जाए तो एटलीस्ट गारंटी हो जाती है कि चलो ये अच्छा काम करेगा। तो इस तरीके से हम दोनों को ब्रिज कर देते हैं, ब्रिज करके कोशिश करते हैं कि लोगों को अच्छी से अच्छी जॉब्स मिल पाए और लोग ग्रो करें। इस तरीके से हम डॉक्टर्स के साथ, हम आईटी प्रोफेशनल्स के साथ, हम बैंकर्स के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, लॉ फर्म्स के साथ, बहुत लोगों को, अच्छे लोगों की जरूरत है, उनको अच्छे लोग मिल नहीं रहे हैं जी। बड़े सारी ऐसी आजकल जनता हो गई है कि वो सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब चाहती है कि मेरे को काम ना करना पड़े, बस मेरे को एसी वाला ऑफिस मिल जाए, मेरे को लैपटॉप मिल जाए, सैलरी मिल जाए, बस सैलरी मिल जाए। मगर ये है कि हम जब कैंप्स करते हैं तो हम उनको कंस्ट्रक्टिव चीजें सिखाते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टिव होएंगे तो कुछ आगे बनेगा, हमारे लिए भी, कम्युनिटी के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी। आप एनवायरमेंट और पोल्यूशन के ऊपर भी काफी काम कर रहे हैं, ये बाकी सेवा की तो हमने बात की, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर आप शेयर करो। हम करीबन 8 साल से, हमारी कहीं बैठ के एक मीटिंग हो रही थी, एक साइंटिस्ट बैठे थे वहां पे जी, तो वो कहते हैं जो हवा हमको पहाड़ों में मिलती है या वाटर बॉडीज के आसपास या किसी झरने में जब आप जाते हैं, वो कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है। कह रहे वही चीज अगर आपके घर में क्रिएट हो जाए तो कैसी लगेगी? ये कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। तो करते करते उस चीज की इनोवेशन की तरफ चल पड़े। आज 8 साल हो गए हैं, तो मैं भगवान का बड़ा शुक्र करता हूँ कि भारत सरकार, दिल्ली सरकार, आईआईटी दिल्ली की सबके साथ मिलके हमने दिल्ली के आनंद विहार में पायलट प्रोजेक्ट किया, और 0.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हम 30% से लेके 86% पोल्यूशन, हमने ओपन एयर पोल्यूशन खत्म किया, जिसकी एनडीटीवी ने कवर किया, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया जी। और आज हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम वर्ल्ड को ये सोल्यूशन दे पा रहे हैं कि आप कहीं भी रहते हो, पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स, आपके घर में किचन भी एक पोल्यूशन का सोर्स है जी। क्योंकि सब्जियों में इंजेक्शन लग रहे हैं, दवाओं के ऊपर केमिकल लग रहे हैं, वो आपके फलों के ऊपर केमिकल लग रहे हैं, सब्जियों पे, वो जब वो आप सब्जियां बना रहे हो, धुएं के अंदर केमिकल आपके घर के अंदर जा रहा है। आज दिल्ली की बात करें, इतना डस्ट है, इतना पोल्यूशन है, गवर्नमेंट कहती है 12 साल हमारी एवरेज एज कम हो गई है, हमारी अर्ली एजिंग हो रही है, हमारे लंग्स चोक्ड हुए पड़े हैं। लंग्स और ऑक्सीजन का खेल तो हम कोविड में भी देख चुके हैं। आज हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम अपनी डिवाइस के थ्रू 80% ऑफ पोल्यूटेंट्स खत्म कर सकते हैं, और 100% वायरस, बैक्टीरिया और फंगस अपने एनवायरमेंट में खत्म कर सकते हैं। इस लेवल पे हम आज उस खोज को पहुंचा चुके हैं, जिसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, और बाबा जी ने हमारे ऊपर कृपा करी तो सबसे पहले हमारी डिवाइसेस
हमने शतखंड श्री दरबार साहब, जिसको लोग गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, वहां पे हमने दी। उन्होंने भी 6 महीने उसकी टेस्टिंग करी और पाया कि यस ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा हेरिटेज है। वहां की वॉल पेंटिंग खराब हो रही है बैक्टीरिया वायरस पोल्यूशन की वजह से। तो आज एक डिवाइस सचखंड श्री दरबार साहब में और एक डिवाइस श्री अकाल तख्त साहब पे उन्होंने स्पेशली इंस्टॉल करी है, और आगे भी उन्होंने बोला हमको अलग अलग जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम अपने हेरिटेज को, हम लोगों की जान बचाना चाहते हैं। ये पोल्यूशन भी हमने बनाया तो इसका इलाज भी हमको ही खोजना पड़ेगा। इसके लिए अगर कोई संस्था या आम आदमी और जानकारी लेना चाहे, हाँ जी, या ये डिवाइसेस आपसे लेना चाहे, हाँ जी, तो उसके लिए हम आपका नंबर तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, या आप अपना नंबर या कॉन्टेक्ट डिटेल कोई भी आप बताना चाहे तो वो मैं कहूंगा कि आप दर्शकों को। हमारी वेबसाइट है viroquill.in, जिसके ऊपर आप लॉग इन करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और फोन नंबर की जैसे आपने बात की तो मेरा नंबर है खास करके इस डिपार्टमेंट के लिए जो बनाया गया है जी, 8368478886। एक बार फिर से रिपीट कर दो, 8368478886। आप इस पे संपर्क करके बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारे पास आज इंडोर पोल्यूशन, सेमी ओपन एरियाज और आउटडोर पोल्यूशन के हमारे पास सोल्यूशन है, और बड़ी कम कॉस्ट में हम अपनी जान बचा सकते हैं। डॉक्टरों के दवाइयों के खर्चों से थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। अब वापस मैं फिर एजुकेशन पे ही आना चाहूंगा, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा जो है आज सोसाइटी में एजुकेशन को लेके अवेयरनेस क्रिएट करना है। यूथ के पास आज सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो मैक्सिमम एनर्जी को सही चैनलाइज नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया के ऊपर वो सारा दिन उंगलियां चला के अपना टाइम, एनर्जी और पैसा जो है बहुत हद तक वो वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में आप कैसे देखते हो? आप फॉरेन में काफी ट्रेवल करते हो, अभी भी आप यूरोप पर टूर करके आए हो, तो वहां के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ का जो सिस्टम है, आज अगर हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज में आती है, वहां से भी बच्चा अगर टॉप करके निकलता है तो कोई उसे 10-15 हज़ार की जॉब नहीं देता, जबकि बाहर स्कूल में 10वीं में 12वीं में किसी भी लेवल पे बच्चा छोड़ता है स्कूल या ग्रेजुएशन के बाद, तो नेक्स्ट डे से वो इतना कमा लेता है कि अपनी अच्छी लाइवलीहुड कमा सकता है। तो इस सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अगर स्कूलों की बात करूं, क्योंकि बेस तो स्कूलों से शुरू होता है, तो फॉरेन के अंदर भी पढ़ाई फ्री है गवर्नमेंट स्कूल में जी, इंडिया में भी फ्री है, कहीं पैसे नहीं लगते आपके। मगर अगर हम प्राइवेट स्कूलों का जो एक नेक्सस है, जिसके अंदर कुछ हद तक हमारे जो लॉबी है, पॉलिटिकल लॉबी, जो खुद ही उस बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो वो कभी भी नहीं चाहते कि गवर्नमेंट स्कूलों का लेवल वैसा हो सके कि जिसको हम सेटिस्फाई हो सके। फॉरेन के अंदर प्राइवेट स्कूल में वो बच्चा जाता है जिसको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता, और इंडिया के अंदर प्राइवेट स्कूल जिसको एडमिशन नहीं देता वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है। उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा हम चल रहे हैं। तो हमारे को इसमें बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस करने चाहिए, और जो एजुकेशनिस्ट लॉबी है ना, उसको कंट्रोल देना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं, जो अचीवर्स हैं, जो नोबेल प्राइज जीतने की कामना करते हैं, जिन्होंने पीएचडी कर करके अपनी सारी उम्र एजुकेशन फील्ड में लगाई है, उनको न्यूट्रली पावर देनी चाहिए कि उनको किसी के अप्रूवल ना लेने पड़े कि ये चेंज करने के लिए मेरे को 10 जगह साइन कराने जाना है, 10 जगहों से परमिशन लेनी है। इस चीज को फास्ट बनाना चाहिए, AI का बेनिफिट लेना चाहिए हमको, जिससे आज पूरा वर्ल्ड AI की हेल्प से एक काम जो 1 साल में होता था वो 1 दिन में होने लग गया। तो उन चीजों को इम्प्लीमेंट अपने सिस्टम में करना पड़ेगा, तभी हम उस एजुकेशन के लेवल को बढ़ा पाएंगे। बट अभी जितना 75 सालों में हमने देखा है कि जो हमारी एजुकेशन हुई है, अगर ऐसे ही चले तो 75 साल अगले भी शायद ऐसे ही दिखेंगे। मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि आप एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप रेगुलर क्लासेस जैसे संडे को आपने बताया या वीकेंड्स पे जैसे भी क्लासेस अरेंज करते हैं, इसके साथ अब जैसे AI ऑनलाइन ये जो दूसरे माध्यम अब आ गए हैं,
इनका भी आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये इतने इफेक्टिव है, एआई हो गया ऑनलाइन। अब जैसे आपने क्लास, एक टीचर अच्छा अपने घर में बैठ के क्लास ले रहा है, लेकिन वो पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर भी, जहां क्लास में हम 30 40 50 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो वहां पर 500,000 बच्चे को भी हम एजुकेशन दे सकते हैं। तो इस बारे में भी आप काम कर रहे हैं, उस बारे में देखो, पहले हम क्लासेस अपनी ऑफलाइन करते थे, मगर अब हम अपनी क्लासेस को फेसबुक पे, यूट्यूब पे लाइव करते हैं, ताकि जो लोग हमारी क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो थोड़ी दूर बैठे हैं, जो टाइम नहीं है आ जाने का, तो हम लाइव करते हैं अपनी क्लासेस को फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ताकि जो बंदा दूर बैठा है वो उस एजुकेशन से, उस नॉलेज से वंचित ना हो, और जो क्लास मिस कर दे वो बाद में अटेंड कर सके, और जिसको एक बार में समझ नहीं आया तो वो बार बार क्लास को अटेंड करके उस चीज को, टॉपिक के ऊपर अपना पूरा क्या कहते हैं कंट्रोल ले सकता है, ताकि उसका कुछ मिस ना हो जाए। हम इसका बेनिफिट हम ले रहे हैं, और हम चाहते हैं कि एजुकेशन को, और जो हमारा एजुकेशन लंगर का कॉन्सेप्ट है, हमने इसको इतना सिंपल रखा है, हमारा कोई कॉपीराइट नहीं, हमारा कोई ट्रेडमार्क नहीं, हम चाहते हैं कि हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर गांव में एक दो चार पांच लोग पढ़े लिखे होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते हैं। संडे का दिन सुबह 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक आप 5-10 लोग इकट्ठे हो, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाओ, अपने गांव को शिक्षित करो, अपने देश को शिक्षित करो, अपने समाज को शिक्षित करो, तो इसी तरीके से हमारा देश आगे जा सकता है। वैसे तो हम इंतजार करेंगे, अगर सरकार करेगी तो फिर तो इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज घरों में अगर पानी नहीं अच्छा है तो फिल्टर हमने खुद लगाए हैं, आज बाहर गर्मी पड़ी है तो एसी हमने खुद लगाए हैं, कोई सरकार ने नहीं आके लगाए। तो हमको चाहिए कि एजुकेशन के मामले में भी हम खुद आगे बढ़े, हम अपने गांव में, अपने मोहल्ले में पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप बनाए, और जो लोग दिल से इच्छा रखते हैं सेवा करने की, वो 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा अपना हफ्ते का दे देंगे, तो हम देखेंगे 1 साल के अंदर एक लहर पैदा हो जाएगी। इस तरह के लोगों को बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं, ये सेवा देना भी चाहते हैं, वो बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं, उनके पास टाइम भी है, लेकिन शायद उनको डायरेक्शन नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि इसकी शुरुआत कैसे करें, तो इन लोगों को हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं? देखिए, अब ऑनलाइन है, कभी भी वर्चुअल मीटिंग की जा सकती है, गूगल मीट पे हो सकती है, जूम पे हो सकती है, तो कोई भी ऐसे लोग चाहे जो अपने इलाके में शुरू करना चाहते हैं, मैं पर्सनली उनको पूरा टाइम दूंगा इसको समझाने के लिए, और हाँ अगर मेरी रीच में होगा पॉसिबल तो मैं खुद जाके 1 संडे 2 संडे 3 संडे वहां लगा के हम कोशिश करेंगे भी एक से दूसरा दीप, जो आपने दीप जलाने की बात करी थी ना, दीप से दीप जलाते हुए पूरे भारत में, पूरे विश्व में इस एजुकेशन की दीप माला को हम प्रज्वलित कर दें। मेडिकल के बारे में मैं एक बार फिर थोड़ा सा एक पूछना चाहूंगा कि मेडिकल में आप इतनी सारी सर्विसेज देते हैं, और बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम्स में आप लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो उसके लिए इतने सारे फंड्स कैसे, वो संगत से या डोनेशन से, वो कैसे अरेंज होते हैं, ये कैसे आप अरेंज करते हैं? देखिए, हम तो जी झोली अड़ने वाले बंदे हैं, जितना अपना दसवंध हो सकता है हम वो करते हैं, और जैसे हमारे लिंक में कुछ लोग हैं जो अच्छे लेवल पे हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि भाई तुमने दसवंध कहीं ना कहीं देना ही है, तो आओ इस काम में हम एक पूल बनाते हैं, उसका फंड इकट्ठा हो, और ऐसे ही मेरी जरूरत नहीं है उसके अंदर, लोग खुद भी ये काम कर सकते हैं, 10 लोग 20 लोग 50 लोग इकट्ठे हो, उस फंड को बनाए और उसको कहीं पे भी लगाए और अच्छा समाज के लिए काम आए। आफ्टरऑल तो वही चीजें काम आनी है जी, पैसा तो सभी का यही रह गया, मेरा भी यही रह जाना है, आपका भी यही रह जाना है, अगर कोई साथ जाएगी तो हमारे कर्मों में उसी का लेखा जुड़ेगा जो हमने सेवा करी है, अदरवाइज तो बाकी सब चीजें तो निष्फल है। ये जो इतने सारे हमने बात की, पढ़ाई, दवाई और कमाई की, इसमें दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम या कोई ऐसी मदद है जो आपको हेल्प मिलती हो, जिससे कि आप इसको और बड़े लेवल पे ले जा सकें? देखिए, गवर्नमेंट तो जी पढ़ाई फ्री करा ही रही है, कोई वो पैसे तो ले ही नहीं रही है, तो गवर्नमेंट तो हमको क्या उसमें मदद करेगी, ना हम कोई ऐसी स्कीमों का पता करने गए हैं, क्योंकि जब स्कीमों के पीछे लग जाओ तो फिर उसके लिए बंदे चाहिए जो रोज सरकारी दफ्तरों में नमस्ते कर सके, और क्या सिस्टम है दफ्तरों का आप बेहतर जानते हो तो हम तो कहते हैं हम कीर्ति बंदे हैं, हम अपने जेब से
जो थोड़ा सा 10 मन तक निकाल सकते हैं हम उतना ही काम करते हैं जितना हमारी जेब अलाउ करती है, अदरवाइज तो दिखावा करने के लिए तो फिर बहुत कुछ। आपकी बात बिल्कुल ठीक की, अगर आसमान में उड़ना है, क्योंकि कुदरत हमें ना चुपचाप बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, तो अगर आसमान में चाहे हम पक्षियों को देखें, चील बाज किसी को भी देखें, अगर वो आसमान की बुलंदियों को छूते हैं तो अकेले अपने दम पे उड़ते हैं, वो फिर इधर उधर से मदद बैसाखियों का सहारा नहीं लेते कि कोई आए हमारी मदद करेगा। तो तजिंदर सिंह जी की सोच बिल्कुल उसी तरह है कि जो कुछ करना है अपने दम पे करना है, अकेले करना है। तजिंदर सिंह जी, एक छोटा सा और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि बाई चांस एक दिन कोई अल्लाह दीन का चिराग सुपर पावर कोई आपको मिल जाए, तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? मैं हमारे देश की सारी फीमेल्स के लिए पढ़ाई कंपलसरी कर दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि वो जननी है ना, जो जननी जिसने बच्चा जन्ना है ना, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है ना तो उसकी वैल्यू नहीं समझ सकती। और आप देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिले हैं ज्यूस को, यहूदियों को। अगर आप उनका सिस्टम देखें ना कि एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने तक कितना साइंस, कितना मैथ्स, कितना हेल्दी एनवायरनमेंट, कितना हेल्दी न्यूट्रिशनल फूड वो खाती है और कैसे वो 9 महीने गुजारती है, अगर मैं वो कर पाऊं और उससे अपनी एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग कर दूं तो शायद आने वाले 100 साल तक के हर नोबेल प्राइज विनर जो होंगे वो इंडिया में से होंगे, कहीं बाहर से नहीं होंगे। बहुत अच्छे, ये बहुत ही कमाल की बात कही आपने, क्योंकि ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं है। धर्म और ध्यान बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म और ध्यान को भी हम तभी समझ सकते हैं जब कर्म और ज्ञान को समझेंगे। हम लोग कर्म करने के बारे में सोचते नहीं, ज्ञान के बारे में गहराई से जानने की कोशिश नहीं करते, जिस वजह से फिर हम किस्मत को, भगवान को ब्लेम करते हैं कि भगवान तूने हमारे साथ क्या किया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, हमें तूने ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने हमारे कर्म कैसे थे, हमारे पास ज्ञान कितना है। क्योंकि अगर किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं तो क्या पहले हमने कभी ये सोचा कि क्या हम उसके काबिल हैं, हमने अपने आप को उसके काबिल बनाया है? अगर हम अपने आप को काबिल बनाए तो ऊपर वाला यूनिवर्स, कुदरत, वाहेगुरु वो चीज देने में 1 मिनट भी नहीं लगाता। तो इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा सरदार तजिंदर सिंह जी का, बहुत उन्होंने टाइम निकाला, बहुत ही अच्छी जानकारी आज हम सभी के साथ शेयर की। आप अगर कोई और जानकारी इनसे लेना चाहते हैं तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे ले सकते हैं। डायरेक्टली भी इन्होंने अपना नंबर शेयर किया वीडियो में, आप वहां से भी नंबर लेके बात कर सकते हैं। और आखिर में एक ही लाइन में ऐसी हस्ती के लिए कहना चाहूंगा कि मन मार के इको थां ते डटना पैंदा है, मन मार के इको थां ते डटना पैंदा है, फिर हुंदा है सुपना सच, पहले तपना पैंदा है। दोस्तों, जितना आप सोच रहे हो, जितना आप सोच सकते हो, उस प्रभु ने, उस कुदरत ने उससे बहुत ज्यादा ताकत दी है। अगर तजिंदर सिंह जी इतना सब कुछ कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। मैं तो एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि आप इनसे भी आगे बढ़ के और भी अच्छा कर सकते हो। मेरे ख्याल तजिंदर सिंह जी इस बात को सपोर्ट करेंगे और इनसे एक छोटा सा मैसेज लेके हम इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा, मैं कोई खास बंदा नहीं हूँ, जॉली अंकल से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इतनी अपील करूंगा कि आप समाज में देखो किस चीज की जरूरत है, आप जहां पे भी रहते हो वहां पे आइडेंटिफाई करो किस चीज की जरूरत है, कौन जरूरतमंद है, इन रियल में हम अपनी इकट्ठे होकर कुछ लोग उसकी कैसे मदद कर सकते हैं, चाहे एजुकेशन की जरूरत हो, चाहे हेल्थ की जरूरत हो, चाहे इकोनॉमिकली किसी को फाइनेंशियल की जरूरत हो, ड्यू डिलीजेंस करके आप उसको चेक करके खुद करिए, किसी पर निर्भर मत रहिए, आप खुद सब वो काम कर सकते हैं जो आज बिल गेट्स ने किया है, जो मार्क जुकरबर्ग ने किया है, या किसी भी बड़े आदमी ने किया, आप खुद भी कर सकते हो। बस अपने पे विश्वास रखो। और मैं हमेशा सोचता हूँ 1+ God is majority।
तो भगवान आपके साथ है, आप मेजॉरिटी में हो, आप कर सकते हो। थैंक यू। दोस्तों, आप भी अगर इसी तरह कोई समाज सेवा का काम कर रहे हैं या अपने फील्ड में कोई भी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और उसको दुनिया के सामने, जमाने के सामने लाना चाहते हैं, तो हम आपके साथ हैं। आप हमसे संपर्क कीजिए, बहुत जल्द हमारी टीम आपसे बात करेगी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी सभी सेवाओं को, आपके हुनर और आपके स्किल को जमाने के सामने लेके आए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। और इसके अलावा आप किस तरह के टॉपिक पे प्रोग्राम देखना चाहते हैं, हमें जरूर लिखकर भेजें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर तरह की आपकी जो भी इच्छा है उसको पूरा कर सकें। थैंक यू।